मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार सरायकेला बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां लाखों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जय श्री राम के नारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं चंपाई सोरेन ने बताया कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बदलाव का नजारा दिख रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है, उसी की तर्ज पर झारखंड में भी एक बार विकास की राह को गति देने का काम करेंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि जिस तरह का जनसैलाब आज दिख रहा है, इतिहास में पहली बार सरायकेला विधानसभा में इस तरह का जनसैलाब देखने को मिला, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार बदलाव निश्चित है। जिला के पदाधिकारी गण और सभी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सत्तागण नेतागण वरिष्ठ नेतागण और आज हमारा साथ ऐतिहासिक रैली रेला में जिला कार्यालय भाजपा में उपस्थित होने के गणसाई लाभ जो उम्र कहे हैं, सभी सरायकेला वासियों भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक साथीगण वरिष्ठ नेतागण जिला के अध्यक्ष महिला नेत्री युवा नेत्री ने युवा नेतृत्व सभी का हमारे ओर से सबसे पहले जोहार जय श्री राम। जिस हिसाब से जन समर्थन जन सैलाब जो रोड में उमड़ के आ गया है, इस झारखंड राज्य के लिए एक परिवर्तन का लहर है और हम अपना 18 अगस्त को यहाँ पोस्ट कर दिया था, जिस पार्टी को हम खून पसीना बह के हम मजबूती बने आते वहां से हम एक कला चले थे, लेकिन आज करवा बंद दे गया है, लाखों संख्या में समर्थन जुटते जा रहा है। मेरा विश्वास होगा ये जो उद्देश्य हम देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण किया है। जो लड़ाई झारखंड के धरती में जरूरत है और वो लड़ाई दूसरा पार्टी से नहीं हो सकता है। जो बांग्लादेशी घुसपैठ देश जटिल मुद्दा है वो दूसरा राजनीतिक दल से उस सवाल को नहीं उठा जा सकता है, इसीलिए हम अपना मन में मंथन करके निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में रह के हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का हम लड़ाई लड़के आदिवासी का अस्तित्व जो अस्मिता जो खतरा में है, हम भारतीय जनता पार्टी में रह के हम लड़ाई करके हम रक्षा कर सकते हैं और उसका साथ साथ हम झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। हमने सोचा कि आज भारतीय जनता पार्टी से हम झारखंड को हम संवारेंगे और अच्छा विकास करेंगे, चाहे यहाँ का आदिवासी का बात हो, चाहे मूलवासी का बात हो, चाहे दलित के बात हो, चाहे गरीब गुरबा के बात हो, हम यहाँ का राह के उसको हम सम्मान दे के विकास को ले जाएंगे, देश का मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। इसीलिए आज ज्यादा समय हम नहीं
ज्यादा हम अपना भक्तव नहीं रखूंगा। इसका बस बड़ा देर से धरती के कार्यकर्ता स्वागत के रोड अपना पुरार में खड़ा है और आज जितना हम लोग हाल है उसका 50 गुना बाहर में है। इस आसपास में खड़ा होने का जाकर नहीं, उस तरह से जनता उबर के आया है। इसीलिए हम सब मिल के आप ये लहर परिवर्तन का लहर है और देश का प्रधानमंत्री यार अमित शाह का मजबूत नेतृत्व का देन है। इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कह के इतना ही कह के अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय श्री राम।